हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए, आज का वीडियो जो है वो ले लेते हैं BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसे ही लेंगे, हालांकि इम्पोर्टेंट होगा उसे ही लेंगे कह के यदि मैं जो यूनिट नहीं डालूंगी तो आप फिर पीछे पड़ जाओगे कि नहीं मैम, ये यूनिट नहीं डला, इसे आप करवा दो, बेहतर वही होगा। सभी यूनिट देख लेते हैं लेकिन जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ, उसमें इम्पोर्टेंट क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगी, राइट। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ब्लॉक वन ले लेते हैं भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग, ब्लॉक टू छायावाद, ब्लॉक थ्री, यानी थ्री ब्लॉक आपके इसमें है। तो आज फर्स्ट ब्लॉक में यूनिट फर्स्ट एवं सेकंड ले लेते हैं, भारतेंदु युग द्विवेदी युग। हालांकि द्विवेदी युग थर्ड यूनिट आपका है लेकिन ये युग से रिलेटेड है इसलिए हमने इन दोनों को साथ में ले लिया है। तो यूनिट फर्स्ट एंड थर्ड एक साथ में और सेकंड को मैं बाद में ला दूंगी, ठीक है। तो भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग और साथ ही साथ, हाँ, द्विवेदी युग देख लेंगे। तो पहले भारतेंदु युग देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, यूनिट फर्स्ट है भारतेंदु युगीन कविता का स्वरूप और विकास, यूनिट थर्ड है द्विवेदी युगीन कविता का काव्य का स्वरूप और विकास, काव्य और कविता एक है, ठीक है। तो जो भारतेंदु युग और उनकी कविता उसको हम सेकंड में ले लेंगे। तो चलिए फिर इसको देख लेते हैं और शुरू कर देते हैं हम। तो ओके, राइट, स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हो गया है भारतेंदु युगीन कविता का स्वरूप और विकास, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको और कम कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट ये हो सकता है कि भारतेंदु युगीन में या भारतेंदु युग में कविता का विकास किस तरह से हुआ, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। और भारतेंदु युगीन कविता की काव्य की विशेषताएं क्या क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर पर भाषा शैली, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतेंदु युग जो है वो, यानी पहली इकाई जो है भारतेंदु युग के काव्य एवं स्वरूप विकास से संबंधित है। और हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन एक युगांतकारी घटना थी, यानी एक युग, यानी एक नए युग की शुरुआत आप कह सकते हैं जब भारतेंदु हरिश्चंद्र आए थे, किसमें, हिंदी काव्य में। तो हिंदी भाषा के काव्य की विविध विधाओं में नवीनतम का समावेश करके उन्होंने युगांतकारी परिवर्तन किया। तो एक युग का आतंकारी परिवर्तन है, युग का परिवर्तन किस तरह से हुआ, तो वो हुआ था भाषा के काव्य एवं गद्य की जो विविध विधाएं होती हैं उनमें नई चीजों का समावेश, नए चीजों को जोड़ा उन्होंने, तो यही हुआ युगांतकारी परिवर्तन। और यही कारण है कि विद्वानों ने इस काल खंड का नामकरण भारतेंदु के नाम पर किया। तो ये जो टाइम था उसको भारतेंदु का नाम रखा गया, ठीक है। ओके, चलिए अब हम और देख लेते हैं कि हिंदी काव्य, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का स्वरूप और विकास, ठीक है ना, इसमें हम पढ़ेंगे। तो किसी भाषा के काव्य में विषय वस्तु, भाषा शैली, अलंकार आदि में क्यों परिवर्तन उपस्थित होता है और क्या कारण है कि अचानक काव्य की जो प्रकृति होती है वो बदल जाती है, तो यही सब कुछ क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों का आंसर हम नीचे देखेंगे लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता पर जिनका प्रभाव तात्कालिक साहित्य पर पड़ा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि कैसे पड़ी, ठीक है। तो देखिए, किसी काल के साहित्य में बदलाव के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण मौजूद होते हैं और भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य में परिवर्तन आया, उसके पीछे भी तत्कालिक परिस्थितियां उत्तरदायी। तो जब भी कोई युग आता है तो उसके पीछे 100% कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई परिस्थितियां, सिचुएशन होती है, ठीक है। तो भारतेंदु के समय का काल स्वयं भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण था। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके औद्योगिक क्रांति के बाद उन्नति का एक नया मार्ग खुला था और इस युग में नए नए खोज और आविष्कार हुए थे। धर्म और दर्शन का नया रूप देख ने को मिला था। राजनीति और समाज व्यवस्था में मौलिक क्रांति आई। पश्चिमी यूरोपी, विशेषकर इटली, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में एक नई संस्कृति जागी और इस युग में कार्ल मार्क्स और एगिल्स जैसे राजनीतिक विचारक पैदा हुए, ठीक है। मनोविश्लेषण के आचार्य सिगमंड फ्रायड का आगमन भी इसी काल में हुआ था। तो भारतीय परिवेश में देखा जाए तो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती, आदि समाज सुधारक भी इसी कालखंड के थे, ठीक है।
ओके चलिए, तो आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तक ईश्वरचंद विद्यासागर भी इसी टाइम के थे, किस टाइम के, भारतेंदु युग के। वंदे मातरम के प्रणेता एवं बंगाल भाषा के श्रेष्ठ साहित्यकार बंकिम चंद्र भी इसी युग के थे। तो हिंदी प्रदेश के युग निर्माता साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रादुर्भाव यानी आगमन भी इसी समय हुआ और साहित्य में नए नए विषयों का समावेश करके भारतेंदु ने नव जागरण का सूत्रपात यानी शुरुआत किया। देशभक्ति, राजभक्ति, समाज सुधार, स्वदेश प्रेम, हिंदी भाषा में प्रेम आदि विषयों पर कविताएं उन्होंने लिखनी शुरू की और काव्य की जो संकीर्ण सीमा थी, एक काव्य का जो छोटा रूप था, उस रूप को उन्होंने विस्तार दिया। ठीक है, तत्कालीन सभी कवियों में भारतेंदु द्वारा प्रारंभ की गई प्रवृत्तियों का विस्तार मिलता है और साहित्य के नए बदलाव के पीछे भी तात्कालिक जो परिस्थितियां थी वही थी। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन बनता है कि भारतेंदु नुगिन हिंदी काव्य से आप क्या समझते हैं, समझाइए, ठीक है, तो आपको फिर यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नए युग का शुरुआत कैसे हुआ, तो यही लिखना पड़ेगा। अब अगला देख लेते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसे पड़ी। ठीक है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, हालांकि राजनीतिक पृष्ठभूमि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कोई टाइम भी इतना नहीं है इन चीजों को देखने के लिए, तो वही सिर्फ लेंगे। ठीक है, लेकिन भारतेंदु और द्विवेदी युग दोनों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, सामाजिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि भारतेंदु युग में सामाजिक पृष्ठभूमि से आप क्या समझते हैं ना, या सामाजिक उससे क्या समझते हैं परिस्थितियों से। तो देखिए, उस समय भारत की सामाजिक स्थिति द्वेषपूर्ण थी, यानी लोगों में जातिगत द्वेष अधिक बढ़ गया था, जातिगत व्यवस्था ज्यादा थी, है ना, जात को ज्यादा महत्व देते थे और समुद्र यात्रा यानी समुद्र यात्रा, समुद्र अपने देश से बाहर समुद्र से जाना, क्योंकि हर एक देश समुद्र से बाहर होकर जाता था, समुद्र यात्रा को पाप समझा जाता था। समुद्र यात्रा करने पर व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया जाता था, समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया था। ठीक है, एक प्राचीन मान्यताओं का पुजारी था, ठीक है, तो दूसरा नवीनता का था, जो नए यानी पश्चिमी सभ्यता को अपनाता था। समाज में नशाखोरी और जो व्यभिचार है वो भी बढ़ गया था। तो ब्रिटिश शासक साम्राज्यवाद एवं शोषण की नींव को बनाए रखने के लिए कूटनीतिक से काम ले रहे थे, मादक वस्तुओं का प्रचार करके तथा हिंदू मुसलमानों में भेद को अपनाकर वो अपना कार्य सिद्ध कर रहे थे, यानी फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहे थे। और तत्कालिक समाज में नारी का उत्थान दयनीय अवस्था में था, सबसे दयनीय अवस्था नारी का था। ठीक है, समाज में पर्दा प्रथा के कारण उनसे घर से बाहर कहीं नहीं जाने देते थे, चार दीवारी में उनको घर में कैद रखते थे, बहुत के मानसिक विकास का अवसर भी उन्हें नहीं मिल पाता था, लड़कियों की और शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, और यदि अवसर पाकर और लड़कियां स्कूल जाती भी थी तो विवाह अड़चन आ जाती थी, क्योंकि कम उम्र में ही बाल विवाह जिसे बोलते हैं वहां पर कुप्रथाएं फैली थी, तो कम उम्र में उनकी विवाह कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी। दहेज प्रथा के कारण निर्धन व्यक्ति अपनी लड़कियों का विवाह वृद्ध पुरुष के साथ यानी बहुत बड़े आदमियों के साथ करने के लिए मजबूर हो जाते थे, ऐसे में उनको दहेज बहुत कम देना पड़ता था और जिससे कम अवस्था में ही लड़कियां विधवा बन जाती थी, और कई कई स्त्रियां रखना लोगों की शान शौकत में शामिल हो गया था। तो इन सब कुरीतियों के खिलाफ समाज सुधारकों ने आंदोलन शुरू किया। 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयास से सरकार ने बाल विवाह एवं विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो ये सामाजिक एक कारण था भारतीय युग में। ठीक है, फिर नर बल तत्कालिक समाज की एक अत्यंत पाशविक प्रथा बन गई थी, वंश वृद्धि के लिए देवी देवताओं को उपासना के लिए पूजा के लिए लोग नर बलि देते थे, सर। ठीक है, और सरकार ने इस प्रथा को कानून बनाकर बंद करने का प्रयत्न भी किया था। राजपूताना बंगाल एवं दक्षिण भारत में सती प्रथा प्रचलित थी, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरदस्ती जो है पति के साथ जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को जो है बंद कराने का जोरदार प्रयास किया था और 1834 में सरकार ने विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया था और इस इकाई। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे। तो धार्मिक क्षेत्र में तत्कालीन समय में बहुदेववाद, रूढ़वादिता, अंधविश्वास जो था बहुत ऊपर था और शैव, शाक्त, वैष्णव आदि मतवाद का जोर था, जो अपने अपने देवता की देवों की श्रेष्ठता को सिद्ध करने में हुए लगे हुए थे, और ब्राह्मणों का प्रभुत्व था यानी ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा था। ठीक है, वो कर्मकांड को बढ़ावा दे रहे थे। तो ये धर्म प्रचारकों के कार्यों में यहाँ पर तेजी आ गई थी, जो ईसाई धर्म मिशनरी आए थे। हिंदू धर्म की आडंबर प्रियता और संकीर्णता फूट आदि का आलोचक कर भारतीय नवयुवकों को अपनी और आकर्षित करने लगे थे। तो ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सामाजिक पृष्ठभूमि। ठीक है, सामाजिक पृष्ठभूमि हमारी हो गई। साहित्यिक पृष्ठभूमि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन साहित्यिक पृष्ठभूमि में जो ऊपर हम देख के आए हैं आप उसे लिख सकते हैं, जो हमने प्रस्तावना में पढ़ा था। ठीक है, भारतेंदु का आगमन देख लेते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये तो इनका बचपन के बारे में बता रहा है। अब क्योंकि भारतेंदु युग है तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखना जरूरी है।
देखिए, भारतेंदु का जन्म जो है काशी के एक समृद्ध परिवार में हुआ था और 1850 को हुआ था। और इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र सम उच्च कोट के कवि थे, यानी कवि थे, और बचपन से इनमें काव्य रचना की प्रतिभा थी। 5 वर्ष उन्होंने एक दोहा लिखा था। पिता ने बालक की प्रतिभा देखकर आशीर्वाद दिया था कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और पिता का जो आशीर्वाद था वो फल के रूप में प्राप्त हुआ। भारतेंदु केवल बड़े आदमी नहीं, युग निर्माता बने, ठीक है। और बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया, जिससे इन्हें स्वच्छंद रहने की, यानी कि अकेले रहने की, स्वतंत्र रहने की आजादी मिल गई। स्कूली शिक्षा नाम मात्र की हो पाई थी। ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा तो थी ही उनके पास, और किसी रचना को एक बार पढ़ने पर कभी वो भूलते नहीं थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन लगन से किया, और 11 वर्ष की अवस्था में जगन्नाथपुरी की यात्रा के समय बंगला भाषा का नाटक विधवा विवाह के अध्ययन से बंगला भाषा के प्रति इनकी रुचि बढ़ गई थी। और यात्रा के दौरान देश की दशा देखकर उन्हें देखने का अवसर मिला, और देश की दुर्दशा देखकर उनमें देश सेवा की भावना जागृत हुई, और हिंदी भाषा का उद्धार एवं अंग्रेजी भाषा के प्रचार द्वारा राष्ट्र सेवा का व्रत इन्होंने ले लिया था, ठीक है ना? ठीक है। हरिश्चंद्र, वे पाठशाला जो है आज भी हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से विद्यमान है, जिन्होंने एक प्राइमरी पाठशाला चौखंबा स्कूल के नाम से खोली थी। तो भारतेंदु ने 7 वर्ष की अवस्था में 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखा था, और भारतीय राजनीति में परिवर्तन हो चुका था। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश बन चुका था, अंग्रेजों की शोषण नीति कायम थी यहाँ पर, और ब्रिटेन की महारानी द्वारा घोषित पत्र के लुभावने सपने से मोह भंग होने लगा था लोगों का। और भारतेंदु का परिवार अंग्रेजी राज का भक्त था, लेकिन भारतेंदु केवल राजभक्त से ही नहीं जुड़े रहे, उन्होंने अपने राजभक्ति कविताएं भी लिखी, और वही सरकार के शोषण नीति के विरोध में भी आवाज उठाई, ठीक है। राष्ट्र सेवा का उन्होंने व्रत लिया था, और इस कार्य के लिए हिंदी भाषा को अपना अस्त्र बनाया। और अंग्रेजी सरकार की कूटनीति केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि भाषा को भी उखाड़ फेंक कर अपना कार्य सिद्ध करना चाहते थे। वो तो यहाँ पर भारतीय स्थानीय भाषाओं को नहीं, बल्कि इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देना चाहते थे अंग्रेज, ठीक है ना। तो हिंदू उर्दू हिंदी के झगड़े को बढ़ाकर हुए हिंदू मुसलमानों में दूरी बनाना चाहते थे। उसके पीछे उनका उद्देश्य वही था कि हिंदू मुसलमानों की एकता जिससे कायम ना होने पाए, ठीक है। फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने अपनाई थी। तो भारतेंदु अंग्रेजों की नीति को भलीभांति समझते थे। उन्होंने हिंदी उर्दू के झगड़े को समाप्त करने के लिए बीच का रास्ता निकाला, और उन्होंने साहित्य रचना के लिए ऐसी भाषा की शुरुआत की जो जनता के लिए गाय हो। तो उन्होंने घोषणा की कि अपनी भाषा की उन्नत करके ही हम सभी प्रकार की उन्नत कर सकते हैं। निज भाषा उन्नत यह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है को शूल। तो तत्कालिक सामाजिक कुरूतियों से देश जर्जर हुआ जा रहा था। भारतेंदु ने जो कुरूतियां थी, अंधविश्वास थे, जो प्रथाएं थी, उनके विरोध में लेखनी उठाई। निर्धनता, अकाल, बहुबाल विवाह, विधवा विवाह, निषेध से उत्पन्न देवचार जो था, ज्ञानता था, रोग, बैर, आलस्य, छुआछूत, बुराइयां जो भी थी, इन सभी विषयों पर लिखकर भारतेंदु ने एक नया जागरण की शुरुआत की, ठीक है। और कलकत्ता में 1826 में प्रथम हिंदी पत्र उदंत मार्तंड का प्रारंभ कर दिया था, और पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी उसका विकसित रूप भारतेंदु युग से मिलता है, और स्वयं भारतेंदु ने फिर इस परंपरा की शुरुआत की, ठीक है। तो इतना काफी है भारतेंदु युग के लिए कि भारतेंदु युग से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, या आप उसके बारे में बताइए, तो आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आगे हमें क्या मिल सकता है, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट चीज तो रह गई ना, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का विकास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतेंदु युग में हिंदी काव्य का विकास किस तरह से हुआ, और ये जो क्वेश्चन है ये 100% आएगा, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का विकास। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो काव्य के दृश्य भारतेंदु युग संक्रांति का युग था, ठीक है, एक क्रांति का, नए क्रांति का, नए पुनर्जागरण का। और इस समय एक और प्राचीन काव्य जो है वो धारा का प्रासुर हो रहा, तो दूसरी ओर नई काव्य धारा की शुरुआत हुई थी। इस युग के जो कवि थे उनको 3 कोटियों में रखा जाता था। प्रथम कोटि में ऐसे कवि आते थे जिन्होंने आधुनिकता से अपने को बिल्कुल नहीं अलग रखा, ठीक है। सेवक, सरदार, हनुमान कवि इस कोटि में आते थे, राइट, आधुनिकता से दूर। दूसरी कोटि में ऐसे कवियों को रखा जाता था जिन्होंने कविता लेखन का आरंभ तो प्राचीन परंपरा के अनुकूल किया, किंतु फिर वे आधुनिकता की युक्त काव्य रचना करने चले गए। ऐसे कवियों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, और इस कोटि के अन्य कवि थे बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जिनके नाम से जानते हैं, प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास। तीसरी कोटि ऐसी थी, ऐसे कवि थे जिन्होंने
अर्वाचीन ढंग की काव्य रचनाएं की जिनमें बालमुकुंद गुप्ता का नाम प्रथम आता है, तो तत्कालीन हिंदी काव्य को नई दिशा प्रदान करने का कार्य भारतेंदु ने किया और उस समय के अन्य कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए थे। उनके द्वारा आरंभ किए गए कार्य को ही अन्य कवियों ने आगे बढ़ाया, ठीक है ना। तो ये भारतेंदु युगीन युगीन हिंदी काव्य का विकास। अब पंडित बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के जो कवि थे, कवि जनता से जुड़ चुके थे, लोक जीवन से संबंधित रचनाएं होने लगी थी। और जिस प्रकार भारतेंदु ने बारातों में गाए जाने के लिए उर्दू के सेहरा के ढंग पर एक बनरा लिखा था, उसी प्रकार प्रेमघन जी ने भी बनरे लिखे। जैसे बनरा का ससी आया बनरा, सबके चखन चकोर बनाया, जामा सुगप सियो दर्जी तुम बग रुचिर रंग रेज सुहाया, ठीक है। तो शादियों में गाने वाले जो गाने होते हैं जिन्हें हम लोग आजकल बन्ना बन्नी बोलते हैं, बन्ना यानी बनरा। तो कजरियों की रचना कर भारतेंदु के कवियों ने शाहिद को जनजीवन से मोड़ दिया था। लोकगीतों में कजलिया कजरी बहुत प्रसिद्ध होता था, ठीक है, और प्रेमघन ने कजरियों की रचना की थी। फिर यहाँ पे बनारसी लय से युक्त भी रचना एक मिलती है। तो यहाँ पे प्रेमघन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो प्रेमघन के काव्य में प्राचीनता का तत्व कम होता है, नवीनता का अधिक दिखता है। और जिन रचनाओं में प्राचीनता के तत्व हैं वो अपूर्ण बंधक अलौकिक लीला कवित्व संबंधों में मिलते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि भारतेंदु युग कविता विकास का मतलब ही होता है कि उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। तो एक अभी प्रेमघन कवि आए, अब दूसरे प्रताप नारायण मिश्र आ गए। तो कानपुर में इनका जन्म हुआ था, स्कूली शिक्षा ढंग से नहीं हो पाई थी। हिंदी अंग्रेजी के अलावा स्वाध्याय से उन्होंने उर्दू फारसी और बंगला भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। और भारतेंदु प्रकाशित पत्रिका कवि वचन सुधा के जब उन्होंने पढ़ा तो उनका झुकाव भारतेंदु की ओर हुआ। और मिश्र जी की प्रथम काव्य रचना प्रेम पुष्पावली की प्रशंसा स्वयं भारतेंदु ने की है। तो भारतेंदु जैसे कवि की प्रशंसा पाकर मिश्र जी को बहुत बल मिला और उन्होंने फिर एक लाइन दो लाइन लिख भी दी। तो मिश्र जी ने तत्कालिक अन्य कवियों की भांति ही 1883 में ब्राह्मण नामक एक मासिक पत्र निकाला और यह पत्र 50 वर्षों तक चला था। भारतेंदु युग में हिंदी भाषा साहित्य को नई दिशा देने में तत्कालिक साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो भारतेंदु ने तो नई नई विधाओं की शुरुआत की थी, ठीक है, और उनके समय में अन्य लेखकों ने भी साहित्य की विविध विधाओं में लेखन किया। तो देखिए मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भारतेंदु युग में कविता का विकास, ठीक है ना, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का विकास, तो इसके अंतर्गत तो ये तो आप सब लिखेंगे ही जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये तो आप लिखेंगे ही, लेकिन इसके अंतर्गत इन कवियों के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, क्योंकि ये जितने कवि इसके अंतर्गत आते हैं, भारतेंदु युग का मतलब ही होता है कि इनके अंतर्गत आने वाले कवियों से संबंधित है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र हो गए, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद अब कौन आते हैं, अब दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इनका पढ़ लीजिएगा कि भारतेंदु युग की कविता का काल नवजागरण काल था और कविता का प्रत्येक पक्ष एक नई दिशा से परिपूर्ण था, ठीक है ना। और मिश्र जी की कविता के लिए लोकगीत और सरसता को प्रमुख मानते थे। तो भारतेंदु युग के कवि जहाँ परंपरा के अनुकूल रचनाएं करते थे, वहीं धीरे धीरे उनका रुझान आधुनिकता की ओर होता गया। और मिश्र जी जो थे वो परंपरा अनुकूल वीर भक्ति एवं श्रृंगार युक्त रचनाएं करते थे और बाद में देशभक्ति हास्य व्यंग से युक्त रचनाएं भी उन्होंने ने की थी। वीर भावना से रचनाएं उनकी कम है लेकिन जो भी है वो बहुत ही ऊंची है, उत्कृष्ट है, ठीक है। तो अब इनके बारे में हो गया, ठीक है, किसके बारे में हो गया, मिश्र जी के बारे में हो गया। जितने भी कवि दो चार आपको हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे जानना होगा। तो जैसे यहाँ पे है कि भारतेंदु युग राष्ट्रीय चेतना का युग है। तो क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु सिद्ध करिए कि भारतेंदु युग जो है वो राष्ट्रीय चेतना का युग है, कैसे, तो आपको यही फिर लिखना पड़ेगा, हिंदी काव्य भारतेंदु युग में हिंदी काव्य का विकास, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य से उत्पन्न असंतोष सभी ओर फैल रहा था और मिश्र जी की कविताओं में भी असंतोष प्रकट हुआ था, जिन्होंने शासकों के छोटे छोटे हितैषी से मुक्त कंठ से प्रशंसा कर दी, ठीक है। ओके, चलिए तो ये हो गया आपका मिश्र जी का हो गया, ठीक है। फिर श्री रामाचरण गोस्वामी भी आते हैं, ठीक है। तो ये वृंदावन में इनका जन्म हुआ। इनके पिता गोस्वामी गल्लू जी स्वयं कवि थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। और दादाचरण जी जो थे वो हरिश्चंद्र की मैगजीन पढ़ा करते थे और इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ा और हिंदी के प्रचार के लिए उन्होंने कवि कुल कौमुदा नामक एक संस्था भी बना ली थी। और जो उस वक्त अंग्रेजी शासन था तो उनके द्वारा जनभाषा हिंदी के विकास को रोकने के षड्यंत्र रच रहे थे अंग्रेज लोग, तो राधाचरण
ऐसे समय में शिक्षा कमीशन के सामने हिंदी के पक्ष में 21,000 लोगों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन प्रस्तुत कर दिए थे, ठीक है ना। और अन्य लेखकों के समान उन्होंने भारतेंदु नामक एक पत्र निकाला और इसके माध्यम से हिंदी साहित्य की सेवा की थी राधा चरण जी। तो इस तरह से आप इसको लिख के अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। भारतेंदु युगीन अन्य कवियों की भांति अत्यंत भारत भक्त थे। कौन? राधा चरण जी। उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालिक अत्याचारी शासन की कट आलोचना की थी, ठीक है, तथा स्वदेश की प्रशंसा की। पश्चिम का प्रभाव भारत पर बढ़ रहा था, ऐसा लगता था कि भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी, उन्होंने लिखा था राधा चरण जी ने, ठीक है। फिर राधा कृष्ण दास जी भी, इनका भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया भारतेंदु हिंदी कविता का विकास किस तरह से हुआ, तो उसके अंतर्गत आप जितने भी उनके कवि हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कुछ है अभी। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषताएं क्या क्या है ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे विशेषताएं कुछ ऐसी दी हुई हैं या हमें ऐसे 20 से अच्छा ढूंढनी पड़ेगी। तो देखिए भारतेंदु हिंदी काव्य की विशेषताएं, ठीक है, हिंदी काव्य की विशेषताएं वही थी कि समाज में जो उस समय रूढ़वादिता, अंधविश्वास, ठीक है ना, जो भी चीज फैले हुए थे, इनको दूर करना सबसे पहला काम था उनका, भारतेंदु जी का। और सबसे बड़ा काम था समाज सुधारक, काम करना तो था ही था। और साथ में जो अंग्रेजों की एक नीति चल रही थी, हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा कराने वाली, फूट डालो शासन करने वाली, इस नीति में भी परिवर्तन लाना था, हिंदी को आगे लेके जाना था, हिंदी भाषा को आगे लेके जाना था, हिंदी उर्दू भाषा को आगे लेके जाना था, ठीक है ना। तो ये सभी काम जो होते हैं किसने किया था, भारतेंदु जी ने किया था, ठीक है। तो जो ऊपर हम लोग देख के आए हैं उसको आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। हिंदी काव्य की विशेषताओं में, ठीक है, विदेशी शासन द्वारा भारत में निष्क्रियता, निहीनता, अज्ञानात का वातावरण बना दिया था, तो कवि ने प्रकृति के साथ जोड़कर इसका किस प्रकार वर्णन किया है यहाँ पे दिया है। तो इस वर्णन में शैली तो प्राचीन है किंतु उपयोगिता की दृष्टि से नवीनता का समावेश है। और भारतेंदु ने प्रकृति का वर्णन तो यहाँ किया, लेकिन भारतीय वीरों की बात करते हुए उस समय उनका कहना है कि जिस प्रकार बिजली चमक कर छुप जाती है, उसी प्रकार यहाँ के लोगों की वीरता क्षण भर के लिए दिखती है। और जिस प्रकार घास दूर दूर तक घने रूप में फैल रही है, मानो यहाँ के लोगों में कायरता भी उसी तरह फैल रही है, ठीक है ना। तो भारतेंदु युग हिंदी काव्य में परिवर्तन का दौर आरंभ हुआ, और केवल विषय वस्तु की दृष्टि से नहीं बल्कि भाषा शैली छंद वगैरह की दृष्टि से भी, जो पहले की परंपरा चली आ रही थी उस पर पार्टी को, उस परंपरा को छोड़कर एक नए काव्य रचना की आरंभ हुई, ठीक है ना। तो संरचनागत विशेषताएं देख लेते हैं, ये है यहाँ पे भारतेंदु काव्य की विशेषताएं। तो पहला विषय वस्तु हुआ इसमें, ठीक है। तो विषय वस्तु की दृष्टि से भारतेंदु युगीन कविता में परिवर्तन आया, और इस युग के कवियों ने जहाँ प्राचीन परंपरा से चली आ रही विषय वस्तु को स्थान दिया, वहीं पर धीरे धीरे झुकाव इनका आधुनिकता की ओर, नवीनता की ओर होने लगा, ठीक है। तो समसामयिक समस्याओं को काव्य में स्थान दिया जाने लगा, श्रृंगार, हास्य व्यंग, ईश्वर भक्त के अलावा देश प्रेम की रचनाएं भी लिखी जाने लगी, और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषय संबंधित रचनाएं भी देखने को मिलने लगी, ठीक है ना। तो तत्कालिक युग के कवियों ने किस प्रकार विषय वस्तु चुनी, सबसे पहले प्राचीन काव्य धारा विषय को उदाहरण ले, तो विषय वस्तु हो गया। दूसरा, श्रृंगारिक रचनाएं, ठीक है। तत्कालिक तो कवि परंपरा से अपने आप को अलग नहीं रख पाए, और सभी कवियों ने रीतकालीन परिपाटी यानी रीतकालीन परंपरा के अनुसार काव्य रचनाएं की थी, और नायिका भेद के अंतर्गत भारतेंदु ने एक सवैया लिखा था, ठीक है। और इस प्रकार अन्य कवियों ने श्रृंगारिक रचनाएं की। फिर भक्ति परक रचना भी हुई, परंपरा से चली आ रही परिपाटी के अनुसार, परंपरा के अनुसार कवि जो है भक्ति परक रचनाएं करते थे, ठीक है ना। भारतेंदु में भारतेंदु ने भी कवि भक्ति परक रचनाएं की थी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हमने देखा कौन कौन सी विशेषताएं देखी, विषय वस्तु देखा, श्रृंगारिक रचनाएं देखी, भक्ति पर रचनाएं देखी, राजभक्ति, अन्य कवियों में भी भक्ति रचनाएं की, किंतु इस काल में भक्ति एवं रीति विषय काव्य रचना की ओर हटकर कवियों ने नए नए विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया, और तत्कालिक परिस्थितियां जो राजनीतिक परिस्थितियां उस समय की थी, तो कवियों ने राजभक्ति से संबंधित रचनाएं भी लिखी, और अनेक रचनाएं जिसमें राजभक्ति दिखती थी, ठीक है। ओके, तो महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, तो वही राजभक्त हो गए, अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो राजभक्ति भी दिखती है, देशभक्ति। फिर
राजभक्ति तो उन्होंने लिखी, लेकिन इस प्रकार राजभक्ति संबंधित रचनाएं कवियों ने, किंतु अत्याचारी अंग्रेजी शासन के प्रति जल्दी लोगों का मोह जो है क्या हो गया, भंग हो गया, कवियों ने राजभक्ति की जगह देशभक्ति पूर्ण रचनाएं आरंभ की। दूसरा जो टॉपिक हो जाएगा वो देशभक्ति हो जाएगा। तो भारत के स्वर्णिम अतीत की याद दिलाकर लोगों में जागरण के प्रयत्न शुरू हुए और वहां पर भारत की दुर्दशा से व्यथित होकर सभी को मिलकर देशभक्ति पर विचार करने के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये देशभक्ति हो गया। तो ये है कविता की विशेषताएं, भारतेंदु युग के यदि आता है तो लिख सकते हैं। फिर भाषा शैली यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए भाषा शैली कैसी होगी, जब हर एक चीज में परिवर्तन आया, आधुनिक काल में प्रवृत्ति में परिवर्तन आया, तो परिवर्तन केवल भावों विचारों में ही नहीं आया बल्कि भाषा के क्षेत्र में भी आया, ठीक है। और भारतेंदु युग में पूर्व ब्रज भाषा अवधि को ही काव्य के लिए उपयुक्त समझा जाता था, यानी कि जो भी लिखा जाता था तो ब्रज भाषा और अवधि भाषा में लिखा जाता था। और रीति काल में तो ब्रज भाषा का मान इतना बढ़ गया था कि जितने भी कवि होते थे वो ब्रज भाषा छोड़ किसी अन्य भाषा में कविता करते ही नहीं थे, और ये मान्यता हो गई थी, ये लोग मानने लगे थे कि ब्रज भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में कविता हो ही नहीं सकती। इतना क्रेज था, इतना था पागलपन ब्रज भाषा को लेकर रीति काल में। तो भारतेंदु युग में यह धारणा दूर हुई, अब खड़ी बोली में काव्य की रचना होने लगी, यानी लोग खड़ी बोली में कविता लिखने लगे, और भक्ति काल में कवियों ने कविता को भक्ति भाव से पूर्ण बना दिया। तो रीति काल में छंद अलंकार का चमत्कार दिखाने के लिए भाषा को जनमानस से दूर कर दिया गया, ठीक है। तो भारतेंदु युग में कवियों ने भाषा को कृत्रिमता के घेरे से बाहर निकाला, और इस कार्य की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। उन्होंने भाषा को अलंकृत करने का परिश्रम नहीं किया, तत्सम शब्दों का बहिष्कार किया, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जो ठीक है, और उन्होंने भाषा को सरल एवं सर्वाग्रह बनाया। तो ये है आपका भाषा शैली, ठीक है, ओके। उर्दू का भी प्रयोग उन्होंने किया यहाँ पर, ठीक है ना। अंग्रेजी जैसे शब्दों का भी उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया, मुहावरे एवं कहावतों का भी उन्होंने अपनी कविताओं में बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, ठीक है। अपनी रचनाओं में उन्होंने, कवियों ने रचनाओं में मुहावरे एवं कहावतों का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हो गया, क्या हो गया, ये भाषा शैली हो गई। भारतेंदु युग के कवि जागरूक थे, तो उन्होंने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए जन सभा जो करते थे वो बुंदेली अवधि और खड़ी बोली को काव्य का माध्यम बनाते थे। खड़ी बोली में रचनाएं करके उन्होंने इसको विस्तार दिया, ठीक है ना, राइट। तो खड़ी बोली में, भारतेंदु युग में खड़ी बोली आ गई थी, ठीक है, राइट, ओके। और खड़ी बोली में वह शक्ति थी जो नवचेतना ज्ञान विज्ञान को जनमानस तक पहुंचाती थी। तो भारतेंदु युग के कवियों ने सरल खड़ी बोली में कविताओं की रचना करके अपने उद्देश्यात्मक स्वर को जन सामान तक पहुंचाया। शैली का मतलब होता है लिखने का ढंग, ठीक है, यानी कि जो लिखने का ढंग था वो क्या था। तो भारतेंदु युग में हिंदी काव्य को नए सांचे में ढाला गया, और इस युग के कवियों ने जहाँ प्राचीन काव्य शैलियों का प्रयोग किया, वही तत्कालिक नवीन शैलियों को स्थान दिया। प्राचीन काव्य शैली में वीर भावना, भक्ति भावना, श्रृंगार भावना हुआ करती थी, ठीक है। तो नवीन काव्य शैलियों में उन्होंने जो अपनाया, जो भारतेंदु युग में नवीन काव्य शैली अपनाई गई, उसमें देश प्रेम, हास्य एवं प्रकृति का वर्णन मिलता था, ठीक है। तो ये शैली होती, शैली का मतलब लिखने का ढंग। तो देश प्रेम, हास्य, व्यंग आदि शैलियों को यहाँ पर देखा जा सकता है, और यहाँ एक दूसरे प्रकार की शैली के बारे में जानेंगे कि भारतेंदु ने प्राचीन और नवीन शैली का प्रयोग किया, ठीक है। तो हिंदी एवं उर्दू शैलियों को मिलाकर उन्होंने नवीन शैली बनाई थी, ठीक है। तो उनकी जो नवीन शैली थी वो हिंदी और उर्दू को मिला करके थी। जहां देखो वहां मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है, उसी का सब है जलवा, तो जहां में अस्कारा है, अस्कारा जलवा दो उर्दू हो गए, ठीक है ना। मखलूक खालिक की रिक्त सिक्त समझे कहां कुहरत, और इसी से नेत नेत ए यार बेदो ने पुकारा है, तो हिंदी और उर्दू को मिलाकर भी उन्होंने किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से शैली हो गई, जब भाषा आता तो भाषा के साथ शैली भी आती, तो भाषा शैली दोनों हो गई, ठीक है। तो इस वाले यूनिट में जो है वेरी इंपॉर्टेंट, हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। काव्य में प्रकृति वर्णन का क्या परिवर्तन आया, तो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। तो देखिए भेरी बेसारांश भी आ गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमने भारतेंदु युग में कविता का विकास देखा किस तरह से हुआ। तो कविता के विकास में जितने कवि हैं उनके बारे में लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा लेके। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन क्रिएट किया कि भारतेंदु युग में हिंदी कविता का विशेषताएं लिखिए, तो हिंदी कविता की हमने विशेषताएं भी देख ली, ठीक है। फिर भारतेंदु युग की भाषा शैली कैसी थी, तो वो हमने देख ली। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी आपके आ जाती है, ठीक है, राइट।
तो अब ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, चलिए अभी हम ले लेंगे, वो होगा द्विवेदी युगीन, ठीक है? क्योंकि अब कंटिन्यू भारतेन्दु युग का है तो हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, हम द्विवेदी युग के ले लेते हैं, जो आसान होगा, जो हमारा होगा यूनिट 3, ठीक है? तो चलिए जल्दी से ले लेते हैं यूनिट 3 द्विवेदी युग, ठीक है? ये आ गया द्विवेदी युगीन, हिंदी काव्य स्वरूप और विकास। तो चलिए फिर इसको देख लेते हैं। ओके, ये थोड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, हालांकि भी बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए इसको हम देख लेते हैं या दूसरे वीडियो में ले लें। चलिए एक काम करते हैं, दूसरे वीडियो में ले लेते हैं द्विवेदी युगीन, हिंदी काव्य स्वरूप और विकास।